तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे हाथ में है अभी ये सैमसंग का सैमसंग A03 Core। तो ये सैमसंग का A03 Core फ़ोन है और इसमें प्रॉब्लम हम आपको दिखाते हैं। इसमें चार्जिंग का एरर एक शो कर रहा है, ये चार्जिंग है और इसको हम अभी इसमें लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया है और लगाने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग का सैम्बल तो आपको शो किया होगा, तो देखिए तो ये चार्जिंग का सैम्बल जो है शो कर रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बताएंगे हम आपको कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, तो बताएंगे, थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता। देख सकते हैं कि ये चार्जिंग का सैम्बल जो है अब स्टार्ट हुआ पूरा और यहाँ पे इस तरीके का सैम्बल जो है शो कर रहा है चार्जिंग का। तो ये प्रॉब्लम देखिए दोस्तों कब क्रिएट होती है। कई बार ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपका फ़ोन वाटर डैमेज हुआ हो, और कई बार ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं फ़ोन को और फिर इस तरीके से हिलाते हैं, डुलाते हैं या फिर ऊपर को नीचे को करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो चार्जिंग की पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं इस वाले फ़ोन में, तो वो 5 में से अगर कोई मिसिंग होता हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए अभी हम इसको खोलते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है करना है वो उसका सॉल्यूशन हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए अभी चार्जर लगाया और इस तरीके का सैम्बल जो है शो कर रहा है। तो चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से होगा। तो ये अभी हम खोल देते हैं। तो इस प्लेट को हमने खोल दिया है और इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये वाला जो चार्जिंग प्लेट है उसको भी रिमूव कर लेंगे, नेटवर्क एंटीना को भी रिमूव कर लेंगे और चार्जिंग इस तरीके से निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी इसमें एक जम्पर तो लगाया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉइंट ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है चार्जिंग वाला, वो उखड़ चुका है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखिए अगर चार्जिंग का किसी और तरीके का आपके फ़ोन में अगर वो सैम्बल शो कर रहा है, चार्जिंग किसी और तरीके से एरर आ रहा है, तो आपको देखिए हो तो ये भी रिपेयर जाता है, बोर्ड कोई भी फ़ोन हो सैमसंग का ये भी बोर्ड रिपेयर हो जाता है, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा समय लगता है, कोई हर चीज़ एक चेक करना होता है, कहीं आपका ये वाला बोर्ड कोई दिक्कत है या कहीं सप्लाई दिक्कत कर रही है, या तो फिर आपका ये वाला फ्लैक्स पत्ता डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें कोई भी एक लाइन मिसिंग कर रही है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि आपको ये वाला जो है पीसीबी प्लेट को चेंज कर देना है। ये मार्केट में इजीली आपको 150 रुपये के समथिंग मिल जाएगी और हो सकता है कि आपको 200 रुपये की भी मिले, लेकिन जो है अगर प्लेट पूरी डल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी को अगर रिपेयर करना है तो किस तरीके से, प्रॉब्लम थी उसका हमने सॉल्यूशन इस तरीके से किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी पॉइंट मिसिंग होता है तो यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट जो है मिसिंग था, तीसरे नंबर से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। देखिए यहाँ पे ये पहला पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट ये रहा, ये चार्जिंग का पॉजिटिव है जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया था। आप चाहें तो यहाँ से एक जम्पर, अगर आपकी सप्लाई ऊपर तक नहीं पहुँच रही है यहाँ तक, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक जम्पर लेते, यहाँ से डायरेक्ट एक जम्पर लेते पहले वाले नंबर से, और वो डायरेक्ट आपको इस वाले पॉइंट पे लगा देना था। ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दो में से किसी में भी लगा दिए, यहाँ पर आपको चार्जिंग का पॉजिटिव सिरा मिलता है, ठीक है, ये दो में से किसी में भी लगा देते, ठीक है। इसके बाद आपका अगर दूसरे नंबर पे पॉइंट मिस है, दूसरे नंबर का पॉइंट मिस है, जैसे कि ये वाला, तो ये यहाँ से एक जम्पर आपको लेना है, वो डायरेक्ट जम्पर आपको इस वाले पॉइंट पे लगाना है, इस वाले पॉइंट पे चार्जिंग का दूसरा वाला सिरा, ये वाला, ये वाला, और जो तीसरा वाला है ये हमने यहाँ से जम्पर लिया हुआ है और इसी से ये प्रॉब्लम क्रिएट थी। तो तीसरे वाले पॉइंट से हमने ये जम्पर डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया है, देख सकते हैं आप, इस वाली जगह पे लगा हुआ है। तो
हमारी प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व हो गई है, और बाकी चौथे वाले की दिक्कत नहीं है। अगर चौथा वाला अगर आपका मिस भी है और नहीं भी है आपके फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर जब आप करेंगे तब आपके फ़ोन में दिक्कत हो सकती है, तो आपको चौथा वाला भी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल में ये ग्राउंड होता है तो इससे कोई समस्या फिलहाल में है नहीं, ग्राउंड कहीं भी लगा सकते हैं। तो पहला वाला ये वाला जम्पर अगर आपका पूरे के पूरे प्रिंट मिस है तो हम सीधा सीधा बता देते हैं। पहला वाला यहाँ से एक जम्पर लेना है और वो जम्पर डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा दीजिए, और दूसरे नंबर से एक जम्पर लेना है आपको, दूसरे नंबर से वो जम्पर लेना है वो आपको यहाँ पे लगाना है इस वाले में पहले पे, और तीसरे वाले का जम्पर लेना है आपको, तीसरे वाले पॉइंट से जम्पर लेना है वो आपको यहाँ पे लगा देना है जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, और इतना ही करेंगे आप। और ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड आप यहाँ से लेके सीधा इसी पे लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तीसरे वाले से ये प्रॉब्लम थी हमारी, वो हमने लगा दिया है, और दूसरे वाले पे आपको देख लेना है ये DM पॉइंट है। तो चलिए अब हम आपको टेस्ट करा देते हैं, और दोस्तों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम आपको टेस्ट करा देते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो थी वो ऑलरेडी वो अब सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखिए अभी हमारी जो चार्जिंग का सैम्बल दिखा है लेकिन चार्जिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें कर दी है, तो वो उसका जम्पर आपको किस तरीके से लगाना है वो हमने बता ही दिया है। देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कोई भी सैम्बल शो नहीं कर रहा है और चार्जिंग भी भरेगी। पहले होता क्या था कि इसमें चार्जिंग भर नहीं रहा था, चार्जिंग चलते हुए दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एक चार्जिंग एरर का सैम्बल आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और कुछ ही समय में आपको हम इसमें पॉइंट भी एक करके दिखा देंगे। अभी 21 पॉइंट है, देखिए आपके सामने ही एक पॉइंट बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जब भी क्रिएट होती है तो ये जो चार्जिंग जैक है इसका अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो गया, ये तभी मिसिंग होता है जैसे चार्जर लगाया और इसके बाद इसको हलाना पड़ता है, डलाना पड़ता है, तो ये जो पॉइंट होते हैं अंदर के वो मिस हो जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।